खबरों में बात करते हैं गढ़ मुक्तेश्वर की, जहां पर जहरीले जंतुओं के काटने से माँ बेटे की मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता असजद का रुख करते हैं। असजद, क्या मामला है, जरा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएंगे। मामला ये थाना गढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र के ग्राम फुलड़ी का है, जहाँ पर रात देर रात्रि तीन लोगों को किसी जहरीले जंतु द्वारा काट लिया गया था और उन्हें करीबी मतलब स्वास्थ्य नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनको मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ जाने के बाद माँ और बेटे दोनों को मृत घोषित कर दिया, उनको गांव लाया गया है वापस। क्रियाक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, परंतु जहां उसके पिताजी की हालत अभी इस तरह नाजुक बनी हुई है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जी अच्छा, डॉक्टरों से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या कुछ कहते नजर आए इस मामले पर? हाँ, मेरी निजी चिकित्सक से बात हुई थी और निजी चिकित्सक ने बताया कि किसी जहरीले जंतु द्वारा इसको काटा गया है और ये पुष्टि नहीं हो पाई कि किस चीज़ से काटा गया है। जी असजद, पीड़ित परिवार से अगर आपकी बात हुई हो तो वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? पीड़ित परिवार से बात हुई थी, वो उनका मानना भी यही है कि किसी जहरीले जंतु द्वारा ही काटा गया है और तहसीलदार मौके पर गए हैं, तहसीलदार ने भी मौके का मुआयना किया है और थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। शुक्रिया हजरत आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।